हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आउटपुट प्रिडिक्शन का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसका हमको आउटपुट बताना है। इस प्रोग्राम को हमने टर्बो C++ कंपाइलर पे रन कराया है, तो चलिए अब आंसर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल है मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 10 से इनिशियलाइज है। देन यहाँ पे प्रिंट कराया गया है 3% है, देन कॉमा ला के प्लस एंड a++। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, जब a++ एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू 10 ही रह जाएगी, क्योंकि ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा a एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे a++ की वैल्यू नेक्स्ट टाइम पे बढ़ जाएगी और यहाँ पे a की वैल्यू 11 हो जाएगी। इसके बाद हमारा a एग्जीक्यूट होगा, a हमारा प्री इंक्रीमेंट है, a की वैल्यू अभी यहाँ 11 थी, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब जब printf स्टेटमेंट प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा तो प्रिंटिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। तो सबसे पहले a की वैल्यू 12 प्रिंट करेगा, देन a की वैल्यू 11 प्रिंट करेगा, देन a++ की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि printf स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट होता है और प्रिंटिंग हमारा लेफ्ट टू राइट होता है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम टर्बो C++ कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं।